नगर निगम धर्मशाला के पहले कार्यकाल का 149.32 करोड़ रुपए का अंतिम बजट पारित किया गया। इस बार का बजट पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ अधिक है। इस बजट में जन सहभागिता से विकास का नया प्रयास किया है। उसमें नगर निगम ने 50-50% का शेयर निर्धारित किया है। नगर निगम एरिया के शमशान घाटों के पुनर्निर्माण के लिए बजट प्रावधान किया गया है। कोविड-19 के दौरान मृतकों के शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने की समस्या पेश आई थी, जिसके चलते बजट में शव वाहन का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कोविड-19 के दौरान नगर निगम के जो 350 के करीब रेड़ी फड़ी बालों में से 294 को 10-10 हजार रुपए के लोन 7% सब्सिडी पर बांटे हैं। नगर निगम ने प्राकृतिक आपदा के तहत 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है, जिससे कि कोई भी आपदा आती है, जैसे कि पिछले वर्ष कोविड-19 का प्रकोप था, ऐसी आपदा आती है तो उस बजट से पैसे निकाल सकें। शहर में पार्किंग के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें कचहरी, अड्डा, चुंगी या दाड़ी में स्ट्रीट पार्किंग के लिए व्यवस्था रखी है। मर्ज एरिया में पार्क निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 17 वार्डों के लिए रास्ते, फुटपाथ और छोटी पुलियों के निर्माण हेतु हर वार्ड के लिए 1-1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पार्कों की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे पहले पार्कों में जो ओपन एयर जिम लगाए हैं, उस पर 2.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मर्ज एरिया में हाउस टैक्स का फैसला सरकार पर निर्भर करता है। अभी तक निगम ने मर्ज एरिया से हाउस टैक्स नहीं लिया है। सीवरेज की समस्या के लिए भी 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां सीवरेज की सुविधा नहीं है तथा लोग पानी में सीवरेज फेंकते हैं, इस समस्या के समाधान हेतु नगर निगम 2 वाहन लेकर जल शक्ति विभाग को देगा और जल शक्ति विभाग ही सेप्टिक टैंक को खाली करने का काम करेगा। इसके लिए स्पेशल एसटीपी का 10 करोड़ रुपए का प्रावधान स्मार्ट सिटी की ओर से रखा गया है। स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम 15 बार सरकार को लेटर भेज चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान नगर निगम ने कम स्टाफ के बावजूद बेहतर काम करने का प्रयास किया है और किया भी है। बजट की बैठक थी और 2021-22 का जो बजट था वो आज पेश किया गया और ये लगभग 149.32 करोड़ का ये बजट पेश किया और जो पिछला बजट था जैसे 2020-21 का, उससे लगभग ये 10 करोड़ ज़्यादा का बजट हमने इस बार पेश किया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हाउस में क्या कुछ फैसले जो है वो लिए गए हैं? देखिए, इस बजट में जैसे हमने बहुत सारे इसमें नए, जैसे जन सहभागिता से विकास, उसमें हमने 50-50% का शेयर, जो बेनिफिशियरी अगर कोई महिला मंडल या कम्युनिटी हॉल बनाना चाहता है अपने पैसे से, तो उसका 50% टोटल कॉस्ट का 50% वो कॉरपोरेशन में जमा करवाए और 50% कॉरपोरेशन अपने बजट से उसको देगी। इसके अलावा जो शमशान घाट है हमारे, उनके लिए हमने अलग से प्रबंध किया है उसको नया बनाने के लिए, और धर्मशाला के लिए, धर्मशाला के लोगों के लिए एक जो कोविड के चलते जो समस्या देखने को मिली, जो कोविड के समय में जो डेथ हुई, उसमें ये प्रॉब्लम आई कि बॉडी वहाँ क्रिमेशन सेंटर तक कैसे पहुँचाया जाए, तो उसको देखते हुए इस बार हमने बजट में शव वाहन का हमने प्रस्ताव रखा, जिसके लिए हमने 10 लाख का इसमें प्रोविज़न किया है। और इसके अलावा हमने जो हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी, जिसके चलते जो रेड़ी फड़ी वाले, जो कोविड के समय में जो जिनके हालात ठीक नहीं थे, आर्थिक उनकी ठीक नहीं थी, उनके लिए जो हमारे पास 350 के करीब लगभग रेड़ी फड़ी वाले रजिस्टर्ड हैं, उनमें से हमने 294 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया लोन, जो कि सब्सिडी जिसमें थी 7% की, उनमें से हमने 294 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं। और हमने जो जो प्राकृतिक आपदा या जैसे कोविड इस साल जो कोविड-19 के चलते जो हालात हुए, उसके देखते हुए हमने एक स्पेशल बजट का प्रावधान रखा 5 करोड़ का, जिसको जो कि प्राकृतिक आपदा का उसको नाम दिया गया, और उसमें हमने 5 करोड़ का उसमें प्रावधान रखा कि अगर कभी कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें से इस बजट को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे 17 हमारे वार्ड हैं, उनके लिए हमने
सभी वार्डों के लिए 1-1 करोड़ रुपया सिर्फ रास्तों और पुलियों और जो फुटपाथ है उनके लिए इसमें प्रावधान रखा। और शहर में पार्किंग की जो व्यवस्था है उसके लिए हमने 15 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा, जिसमें अलग अलग जगह हैं जैसे कचहरी अड्डा है, नीचे चुंगी है या दाढ़ी है, इसके अलावा जो स्ट्रीट पार्किंग जहाँ पे 20, 15 या 10 गाड़ियाँ लग सकती हैं उसको भी हमने इस बार ज़्यादा मान्यता दी है और उसके लिए हमने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा। इसके साथ जो पार्क्स हैं जो शहर में जो AVD एरिया उसमें तो स्मार्ट सिटी की तरफ से हम पार्क के टेंडर लगे हैं, वहाँ तो पार्क बन रहे हैं, लेकिन जो मर्ज एरिया था जहाँ पे पार्क की ज़रूरत थी उसके लिए हमने 5 करोड़ का उसमें प्रावधान रखा। मर्ज एरिया में जो हाउस टैक्स लेने का निर्णय लिया गया था उस पर भी कोई फैसला हुआ? देखिए, हाउस टैक्स अभी सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या आदेश देती है, क्या पास होता है, लेकिन हमारे टेन्योर में तो हाउस टैक्स मर्ज एरिया से हमने लिया नहीं किसी से। और हमारे जो सीवरेज की समस्या उसके लिए भी हमने 15 करोड़ का इसमें प्रावधान रखा है। और स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं है और जिनके सेप्टिक टैंक हैं और उनमें समस्या आती है कि जब वो भर जाते हैं तो उसको कौन लिफ्ट करेगा, उसको स्लज को, और कहाँ वो फेंकेंगे, कुछ लोग पानी में फेंक देते हैं, तो उसके चलते हमने 25 लाख रुपये का 2 व्हीकल जो है मैकेनाइज व्हीकल हैं उनको लेके हम IPH के देने वाले हैं और उनके सहयोग से IPH विभाग ही अब जो सेफ्टी टैंक है उनको खाली करने का काम करेगा। और उसके लिए एक स्पेशल STP का हमने 10 करोड़ का प्रावधान रखा है स्मार्ट सिटी की तरफ से, उसको नया STP बनेगा जिसमें सिर्फ सेफ्टी टैंक का स्लज ही है उसमें प्रिकर किया जाएगा। तो हर बार लेटर जाते हैं, जो पुराने हमारे रेजुलेशन हैं जो रिक्वायरमेंट है उसको हम बार बार भेजते हैं, मुझे लगता है अभी तक 15 बार हम भेज चुके होंगे उसको, तो उसका तो गवर्नमेंट लेवल पे ही है कि वो कैसे उसको भेजती है, स्टाफ कैसे भेजती है। हमने जो ये 5 साल जो इस टेन्योर था वो कम स्टाफ के बावजूद भी बेहतर काम करने की कोशिश की है।